Hello and welcome to TV का पटाका, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, कहाँ है नागिन पुत्री, यानी कि प्रथा और ऋषभ की बेटी, यानी कि होने वाली सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन? कहाँ है वो? किसने छुपाया है उसको? किसकी नजरों के नीचे रह रही है वो जरा सी बच्ची? चलिए हम आपको बताएंगे टीवी का पटाका की इस रिपोर्ट में. पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं. दोस्तों, हम आपको बता दें कि नागिन 6 में आप सभी ने देखा कि प्रथा को डॉक्टर ने ये बताया कि उसकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रथा ने जिंदा बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन ये जानती थी महक और उर्वशी कि प्रथा की बच्ची आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन बनेगी और उसमें काफ़ी सारी शक्तियाँ होंगी और उसकी वजह से प्रथा की भी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं. ऐसे में महक ने और उर्वशी ने मिलकर उस बच्ची को किडनैप कर लिया था और उसको लेकर चली गई थी एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रथा ना पहुँच पाए. जी हाँ, नीलगिरी पहाड़ के नीचे जो मंदिर है उसके तहखाने में कैद करके रखा है महक ने और उर्वशी ने प्रथा की बेटी को, यानी कि नागिन पुत्री को. पर सवाल ये उठता है कि वो नागिन पुत्री है, कब तक आखिर उसको इस कैद में रखेंगे ये दोनों? क्योंकि अगर उसकी शक्तियाँ उसमें आ गई तो कहीं ना कहीं वो तहलका मचा देगी और हो सकता है पूरे के पूरे नीलगिरी पहाड़ को ही वो नीचे गिर दे. पर अब प्रथा अपनी बच्ची तक कैसे पहुंचेगी, ये देखना काफी मजेदार होगा. आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें.